रिसीवर सिस्टम्स जो होते हैं, एक तो कंबाइंड सिस्टम होगा और एक सेपरेट सिस्टम होगा। ठीक है, कंबाइंड सिस्टम में क्या होगा, डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल और स्टॉर्म। ठीक है, डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल और स्टॉर्म वाटर जो होगा वो सारा का सारा एक ही सिस्टम के थ्रू, एक ही पाइपलाइन के थ्रू सारे के सारे जाएंगे। सेपरेट सिस्टम में क्या होगा, डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल एक के थ्रू जाएंगे और दूसरा स्टॉर्म और सरफेस वाटर एक कॉन्ड्यूट के थ्रू जाएंगे। ठीक है, ये दोनों इस तरीके से सेपरेटेड होंगे। और उसके बाद आता है पार्शली सेपरेट या फिर पार्शली कंबाइंड, जिसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, दोनों एक ही चीज है। इसमें क्या होगा, एक पोर्शन ऑफ स्टॉर्म वाटर जो होगा वो अलाउ कर दिया जाएगा जो हमारे डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल के लिए सीवर होगा उसमें। ठीक है, उसमें भी स्टॉर्म वाटर का थोड़ा सा पोर्शन जो है वो अलाउ कर दिया जाएगा, जिससे क्या होगा थोड़ी सी सेल्फ क्लींसिंग वेलोसिटी भी मिल जाएगी। ठीक है, वो हो जाएगा हमारे पास पार्शली सेपरेट और कंबाइंड। मतलब वेट वेदर फ्लो में स्टॉर्म वाटर वाला जो होगा वो तो अलग ही रहेगा, और ड्राई वेदर फ्लो वाला जो होगा डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल प्लस वेट वेदर फ्लो, उन दोनों को एक जो होगा एक उसमें कॉन्ड्यूक्ट में या पाइप में अलाउ कर दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है कंबाइंड सिस्टम या सेपरेट सिस्टम जो है, इसकी एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या क्या है। तो एवरेज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल जहां भी होगी, जिस एरिया में होगी, कंबाइंड सिस्टम जो होगा वो कहाँ पे अलाउ करा जाएगा, यहाँ पे एवरेज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। एक तो एवरेज रेनफॉल, ऊपर से वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो कंबाइंड सिस्टम अलाउ कर दिया जाएगा, जिससे कि सेल्फ क्लींसिंग वेलोसिटी जो होगी वो पूरा टाइम अवेलेबल होगी, क्योंकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रेन है। ठीक है, और अगर सेपरेट सिस्टम जो होगा उसमें क्या होगा, इफ रेन इज इन वन सीजन, एक ही सीजन में अगर रेन आती है तो सेपरेट सिस्टम बनाया जाएगा। उससे क्या है कि हमें अलग अलग दोनों बनाने पड़ेंगे, क्योंकि उससे अगर हमने पहले से ही उसको कंबाइन की तरह बना के रखा वो इकोनॉमिकल नहीं होगा, क्योंकि उसमें हम एक सीजन में तो रेनफॉल आनी है, बाकियों के टाइम पे आनी नहीं है, तो बाकियों के टाइम पे हाफ ऑफ द सीवर जो होगा वो एम्प्टी ही रहेगा, तो उससे सेल्फ क्लींसिंग वेलोसिटी भी प्रॉपर नहीं मिल पाएगी, तो वो सही नहीं रहेगा। ठीक है, और जो रॉकी पोर्शन होगा, ठीक है, उस टाइम पे भी सेपरेट सिस्टम जो होगा, अगर रॉकी एरिया से हमें बनाना हो, एक बड़ा सा सीवर बनाना है, तो उसके लिए भी मुश्किल हो जाता है, इसलिए उसके लिए हम सेपरेट दो सीवर बना दें तो वो हमारे लिए ज्यादा सही रहता है। बाकी अगर एक बड़ा सा सीवर बनाना है रॉकी एरिया में से निकालना है, तो वो एक बहुत ही एक्सपेंसिव हमारे लिए हो जाता है। ठीक है, और ये जो कंबाइंड सीवर है क्राउडेड एरियाज में बेटर रहता है, उसमें एक ही पाइपलाइन जो होगी वो हम निकाल सकते हैं, वो कंबाइन सिस्टम बेटर रहेगा, उसमें दो सीवर वहां पे ले करना मुश्किल हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है सेपरेट सिस्टम, उसमें सैनिटरी सीवर्स जो होगा उसको पंप करना, मतलब जो होगा मतलब उसको पंप करा जाएगा, जो दूसरा बोला होगा, अगर सिर्फ पंपिंग का सिस्टम है ना तो दोनों में से एक को हम पंप कर सकते हैं, और जो जो दूसरा सिस्टम है वो ग्रेविटी के फ्लो से ही जाएगा। ठीक है, वो इजीली ग्रेविटी के वाटर से, स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज होगा, वो ग्रेविटी की हेल्प से वो चला जाएगा, और दूसरे वाले को हमें पंप करना होगा, नहीं तो अगर दोनों को पंप करना पड़ जाए तो वो हमारे लिए ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद है डिस्चार्ज, जो डिजाइन डिस्चार्ज होगा कंबाइंड सिस्टम के लिए, डिजाइन डिस्चार्ज होगा वो किसके अकॉर्डिंग, एक रेनफॉल प्लस टू टाइम्स ड्राई वेदर फ्लो लिया जाएगा डिजाइन डिस्चार्ज, और जो सेपरेट सिस्टम होगा उसमें आएगा 6 times ड्राई वेदर फ्लो। दोनों के लिए डिजाइन डिस्चार्ज हो जाएगा 6 times ड्राई वेदर फ्लो सेपरेट सिस्टम में। एक और